हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फूड कॉर्नर। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चटपटे रगड़ा चाट की बहुत ही आसान सी रेसिपी। एकदम स्ट्रीट स्टाइल से हम इसे बनाएंगे, जिसे देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए सीखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो रगड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए सफ़ेद वाली मटर। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मटर ली थी और इसे मैंने रात भर पानी में भिगोकर रख लिया था। आप देख सकते हैं अच्छे से फूलकर डबल हो चुकी है। फिर मैंने ऐड किए हैं आलू। आलू तो पता है चाट में कितने शानदार लगते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 आलू कुछ इस तरह से कट कर डाल दिए। फिर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। फिर ऐड करेंगे पानी। तो पानी आपको यहाँ पर इतना ऐड करना है कि मटर जो है इसमें डूब जाए और बस थोड़ा सा ही पानी ऊपर बच जाए। कर लेंगे इसे मिक्स और फिर लिड लगाकर इसे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 विसल ली है इसकी। इसमें ये हो जाता है, आप देख सकते हैं अच्छे से मैश हो रहे हैं, यानी ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। बस इस तरह से हमने इसे बॉईल करना है 4 से 5 विसल लेकर। और मैंने जो पानी की क्वांटिटी ये भी थोड़ी कम रखी थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब हम इसे मैश कर लेंगे हल्का सा। तो अब इसी तरह से मैश कर लीजिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप सारे स्ट्रीट स्टाइल भूल जाएंगे, बस इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे घर पर बैठे बैठे। तो यहाँ पर ये अच्छे से मैश हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए कढ़ाई। डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से हीट कर लेंगे। फिर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जीरा। इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है रगड़ा में, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर ऐड कर रही हूँ मैं हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली थी और इसे क्रश कर डाली है। फिर मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक, वो भी मैंने क्रश कर ऐड किया है। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं इसकी। फिर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त आपका जो गैस का फ्लेम है ये लो होना चाहिए। अब इसे अच्छे से पकने के लिए और ये जल ना जाए इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून पानी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे हमारे मटर और फिर हम सारे मसाले इसमें अच्छे से लगा देंगे, यानी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स। बहुत ही तरीके आते हैं इसे बनाने के, लेकिन मेरे तरीके से आप इसे बस एक बार ट्राई कीजिए, आप सारे तरीके भूल जाएंगे और इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। फिर डाल रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंगली डालिए। फिर 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर आपको ऐड करना है। फिर 1/2 टेबल स्पून काला नमक और 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला। बहुत ही चटाकेदार बनने वाली है हमारी रगड़ा चाट। फिर डाल रही हूँ हरा धनिया, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पानी। तो हमने मटर को बॉईल कर लिया था, वही पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्का सा, मुझे ज़रूरत लग रही थी इसमें पानी की। कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स। तो यहाँ पर मैंने इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, देख सकते हैं आप। तो बस हमारा जो रगड़ा है रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो लेंगे एक प्लेट, डालेंगे रगड़ा। आप बस एक बार इसे ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, आप सारे तरीके भूल जाने वाले हैं। फिर ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ हरी चटनी। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। फिर डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। चाट में तो बहुत ज़रूरी है इमली की चटनी, इसके बिना तो चाट अधूरी सी लगती है। फिर डालेंगे पूरी। तो यहाँ पर मैंने जो पानी पूरी की पूरी आती है उसे क्रश कर डाल दी है। इसे बनाते बनाते ही आपके मुंह में पानी आ जाने वाला है फ्रेंड्स, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद आएंगी। फिर मैंने ऐड किए प्याज। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। टमाटर, चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। फिर लाल मिर्च पाउडर, और जो सेव आती है चाट वाली वो मैं इसमें डाल रही हूँ। दिखने में ही बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है हमारा रगड़ा चाट, खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। फिर डाल रही हूँ हरा धनिया और बस लीजिए हमारा जो रगड़ा चाट है रेडी हो चुका है। आप इसे एंजॉय कीजिए, बहुत मज़े का लगता है। तब देख सकते कितना
यम्मी सा हमारा रगड़ा चाट रेडी हो चुका है। तो आप इसे पानी पूरी में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी पूरी की पूरी ली है, आप इसे चाहे तो पानी पूरी के साथ एंजॉय कीजिए या फिर आलू का साथ सर्व कीजिए, सभी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। रगड़ा पैटीज भी आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर पानी पूरी असेंबल कर रही हूँ, डाल रही हूँ हरी चटनी, फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी, फाइन चॉप प्याज, टमाटर और फिर जो खारी बूंदी आती है वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली है। और ऊपर से डालेंगे सेव, आप चाहे तो इसमें दही भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद है तो, दही से भी बहुत अच्छी लगती है ये। हरा धनिया, मैं ऊपर से थोड़ा सा और खट्टी मिट्टी चटनी ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है ये रगड़ा में। और बस इसी तरह से आप इसे डेकोरेट कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स, आपको एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और बस हमारी पानी पूरी है रेडी है, तो इफ्तार में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।